नमस्कार, नेहा फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोभी चिल्ली रेसिपी, बहुत ही टेस्टी स्पाइसी रेसिपी, बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने गोभी ली है, ये शिमला मिर्च ली है। गोभी को हम इस तरह से तोड़ लेंगे, बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं हमने गोभी के। शिमला मिर्च को भी हम इस तरह से काट लेंगे। शिमला मिर्च को भी हमने काट लिया है। ये हमने एक प्याज लिया है, प्याज को भी हम काट लेंगे इस तरह से। इस प्रकार से खोल लेंगे प्याज को। ये सारे प्याज को हम इसी प्रकार से कट करके अलग अलग रख लेंगे इस तरह से। सारे प्याज को हमने काट लिया है। ये हमने बड़े साइज का बोल लिया है। इसमें हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। ये 1 चम्मच मैदा डाल दी है, मिक्स कर लिया है। ये 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, ये 1 पिंच रेड फूड कलर डाल दिया है। ये 1/2 चम्मच गरम मसाला मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी और डाल देंगे। ये बैटर बना लिया है हमने। अब हम इसके अंदर ये कट की हुई गोभी डाल देंगे और इस तरह से अच्छे से गोभी को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से कोटिंग हो गई है कॉर्नफ्लोर की। ये गैस पे हमने कढ़ाई रखी है, ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए ऑयल गर्म है हमारा। अब हम इस तरह से एक एक पीस गोभी के इसके अंदर डाल देंगे फटाफट से। एक बार में जितनी गोभी फ्राई हो सके उतनी ही हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से चला लेंगे, पलट लेंगे। इस तरह से बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएगी गोभी। ये देखिए फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। निकाल लिया है। बाकी की बची हुई गोभी को भी हम इसी प्रकार से फ्राई कर लेंगे। सिम निकाल लेंगे। सारी गोभी को हमने फ्राई कर लिया है और ये एक्स्ट्रा ऑयल हमें निकाल दिया है और इसी के अंदर हम ये तड़का लगा लेंगे। हींग डाल दी है, 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा भून लेंगे। अब ये शिमला मिर्च डाल देंगे, जला देंगे। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये सबसे पहले हमने टोमेटो केचप डाल दी है, ये ग्रीन चटनी डाल दी है। अब मिक्स कर लेंगे। अब ये 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है,
थोड़ा पानी डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर डाल दिया है, ये हाफ चम्मच हमने लाल मिर्च डाल दी है, एक चम्मच नमक डाल दिया है, हाफ चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, ये थोड़ा हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है, गोभी डाल दी है, ये अच्छे से मिक्स कर लिया है गोभी को मसालों के साथ, हरा धनिया डाल दिया है, ये बन करके तैयार है। सर्व कर लेते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया गोभी चिल्ली बन करके तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी गोभी चिल्ली बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।